दोस्तों व्हाट्सएप आज बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन टूल बन चुका है विश्व भर से करोड़ों यूजर्स के लिए टेक्सटिंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए, और विश्व भर से आज करोड़ों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए टेक्सटिंग और मैसेजिंग कर रहे हैं। लेकिन इस व्हाट्सएप के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स कुछ दिए जाते हैं, बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे व्हाट्सएप के 3 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद ही आपको पता होगा। ऐसे तो आप WhatsApp के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे होंगे, लेकिन ये 3 जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो इतना खास है कि आपके डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि भाई वीडियो बहुत ही लाजवाब था। तो दोस्तों मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस 3 WhatsApp के फीचर्स का। दोस्तों हम सभी को पता है आज WhatsApp कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल करते हुए विश्व भर से करोड़ों लोग टेक्सटिंग और मैसेजिंग करते हैं, और हर यूजर्स के पास में कोई ना कोई एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट ऐसा होता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चैटिंग और मैसेजिंग करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी दिन उस यूजर्स को बहुत सारा टेक्स्ट मैसेज भेजना पड़ता है जिस कारण से वो पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट बहुत ही नीचे चला जाता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट जो है वो एनी टाइम WhatsApp में सबसे ऊपर ही सो हो, चाहे वो कितने ही लोगों को टेक्स्ट मैसेज क्यों ना भेज दें। तो ये टिप्स उनके लिए है। तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, आपको इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस करना ये होगा कि जिस किसी भी कॉन्टेक्ट को आप सबसे ऊपर टॉप पर रखना चाहते हैं उसके कॉन्टेक्ट पे आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको ऊपर में पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिर्फ उस पिन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपका वो पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट एनी टाइम सबसे ऊपर ही रहेगा, पहले नंबर पे ही रहेगा, चाहे आप 50 लोग को मैसेज भेज दो, 100 लोग को भेज दो, किसी को भी भेज दो। तो ये बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो किसी एक इंसान से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चैट करते हैं। दोस्तों WhatsApp का ये दूसरा फीचर, दूसरा टिप्स बहुत ही खास है सभी यूजर्स के लिए, और खासकर उनके लिए जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका WhatsApp एप्लीकेशन कोई और एक्सेस कर पाए, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैट किसी से करते हैं उनके लिए बहुत ही खास है। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ता था अब तक कि आप कोई सा भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉक को इंस्टॉल करते थे और उसके बाद आप अपने ऐप को लॉक कर देते थे, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं होता है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। लेकिन ये टिप्स ऐसा है कि आपको कोई सा भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अब इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली WhatsApp के अंदर से ही अपने WhatsApp एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं और उसे आप सिर्फ खुद ही एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको अपने WhatsApp के सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको अकाउंट सेक्शन में जाकर प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है और स्क्रॉल अप करके नीचे आना है आपको, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन, आप इसे इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आप जब भी अपने WhatsApp को ऑन करना चाहेंगे आपका फिंगरप्रिंट एक्सेस ये मांगेगा। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को अनलॉक करना पड़ता था, उसके बाद आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके इस WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ता था, लेकिन अब थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करना है। अगर आपका फ़ोन किसी और के पास भी चला गया तब भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपका बिना फिंगरप्रिंट एक्सेस किए हुए आपका WhatsApp ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। दोस्तों तीसरा और लास्ट फीचर्स उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं WhatsApp पे आने वाले मैसेजेस के कारण, और वो नहीं चाहते हैं कि सामने वाला जो इंसान है उसको पता चले कि उसका जो भेजा हुआ मैसेज है वो सीन हो चुका है, क्योंकि हम सभी को पता है WhatsApp पे जब मैसेज सीन किया जाता है तो ब्लू टिक बन जाता है। तो अब इस टिप्स की मदद से आप उस मैसेज को पढ़ भी लेंगे और सामने वाले बंदे को ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया, क्योंकि उसमें ब्लू टिक नहीं होने वाला है। और ये कैसे होगा इसके लिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जब भी कोई मैसेज आए तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाता है कि कोई सभी मैसेज आपके पास आ चुका है, चाहे वो शॉर्ट मैसेज हो या बहुत बड़ा मैसेज ही क्यों ना हो। लेकिन जब शॉर्ट मैसेज होता है तो आप अपने स्क्रीन को ऊपर से देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर बहुत लंबा लिफाफा कुछ लिखा हुआ है तो आप नहीं पढ़ पाते हैं ऊपर से स्क्रीन पे। तो इसके लिए आप अपने फोन का एयरप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए, उसके बाद आप अपने WhatsApp में जाइए और उस पार्टिकुलर मैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप अपने WhatsApp एप्लीकेशन से बाहर निकलिए और अपना एयरप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए, उसके बाद वो पार्टिकुलर मैसेज पे ब्लू टिक कभी नहीं होने वाला है। तो सामने वाला बंदा जो आपको इरिटेट कर रहा था उसको ये नहीं पता चलेगा कि आप मैसेज देख लिए हैं, और वो ये क्लेम नहीं करेगा कि भाई तूने मैसेज तो देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया।
तो ये भी टिप्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है। ऐसे तो WhatsApp में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन डेली लाइफ में आपको बहुत ही कम फीचर्स यूजफुल होते हैं। और मेरे को लगा कि ये तीन फीचर्स शायद ऐसे हैं जो बहुत लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर आया। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।